आज मेरा जैसलमेर में दूसरा दिन है और आज हम विजिट करेंगे इंडिया के दूसरे सबसे पुराने किले को, जिसका नाम है जैसलमेर फोर्ट। इस किले में आज भी 5000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, इसीलिए इसको दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट भी कहा जाता है। तो चलिए मेरे साथ घूमते हैं जैसलमेर। हेलो गाइज, वेलकम टू जैसलमेर। और अभी मैं आया हूँ जैसलमेर फोर्ट में। जैसलमेर दो वर्ड से मिलकर बना है। जैसल का मतलब है इसको महाराजा जैसल सिंह जी ने बनवाया, और मेर का मतलब है पहाड़, क्योंकि ये जो किला है वो पहाड़ की चोटी पे बना हुआ है। तो जब सूर्य की किरणें इस किले पर पड़ती हैं, तब ये हमें सुनहरे कलर का दिखाई देता है, इसलिए इस किले का नाम सोनार किला भी है। जैसलमेर के किले की खास बात है, इसको बनाने में किसी भी प्रकार की सीमेंट, मिट्टी या चूने का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ की दीवारों को एक विशेष तरह के पत्थरों से इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म से बनाया गया है। किले में एंट्री करने के बाद हम पहुँच जाते हैं दशहरा चौक पर, जो कि इस किले का एक मेन चौक है, क्योंकि यहाँ से आप जिस भी डायरेक्शन में जाएंगे आप वापस आकर यहीं पहुँच जाते हैं। जैसलमेर फोर्ट दो भागों से मिलकर बना है। पहला भाग महाराजा का महल है और दूसरा रानी का महल है, और एंट्री महाराजा के महल से होती है। सो गाइस, अभी हम फोर्ट के अंदर एंट्री ले चुके हैं। यहाँ के जो टिकटिंग के चार्जेस हैं वो है 200 रुपीस पर पर्सन। तो चलिए अभी हम म्यूजियम के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। इसके बाद मेरा स्वागत जैसलमेर फोर्ट के म्यूजियम द्वारा किया जाता है, जो कि एक राजस्थान की धरोहर, रिच हिस्ट्री एंड कल्चर को शो करता है। यहाँ मुझे आर्मरी सेक्शन में करीब 800 साल पहले युद्ध में उपयोग होने वाले वेपन्स मिलते हैं, और दीवान खाने में राजा का तख्त भी मौजूद है, जहाँ पे राजा का राज तिलक हुआ करता था। महल में राजा के द्वारा सेना और प्रजा को हुक्म देने के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है। एंड गाइस, जो अभी जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इसको बोलते थे रणधेरी। यहाँ पे पुराने ज़माने में राजा अपनी प्रजा को कोई भी मैसेज पहुँचाने के लिए यहाँ पे ढोल नगाड़े वगैरह बजाया करते थे। और इधर जो आप देख सकते हैं, उस टाइम के जो CCTV वगैरह बोलते थे जिनको। किले में एक मूर्ति कक्ष है, जहाँ कुछ 600 साल पुरानी मूर्तियाँ रखी हुई हैं। तो गाइस, ये वाली जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये किसी को भी देखने में ऐसा लगेगा कि जैसे कि लकड़ी के ऊपर की गई कारीगरी हो, लेकिन ये पत्थर के ऊपर किया गया है और ये हैंडमेड है। जैसलमेर फोर्ट राजस्थानी आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट एग्जांपल है। यह किला बहुत सारे मंदिर, महल और हवेलियों का घर है। सो फ्रेंड्स, अभी आपने देखा जैसलमेर फोर्ट का पहला भाग, महाराजा का महल, और अब हम देखेंगे रानी के महल को। रानी के महल में एंट्री करते ही हमें होली के टाइम गणगौर करते हुए एक लेडी की मूर्ति दिखाई देती है, और यहाँ पर बहुत सारी मार्केट्स भी बनी हुई हैं, जहाँ से आप अपने लिए कुछ लेकर जा सकते हैं। रानी के महल में ज़्यादातर लेडीज आइटम ही रखे हुए हैं। महल की सुरक्षा को लेकर भी काफ़ी इंतजाम किए गए हैं, जैसे किले की दीवारों पर, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं पत्थर रखे गए हैं, ताकि अगर दुश्मन सेना यहाँ पे आती है तो ये उनके ऊपर गिराए जा सके। रानी के महल से निकलते ही हम पहुँच जाते हैं दशहरा चौक पर, और यहाँ से एक रास्ता महल के सबसे ऊपरी भाग कैनन पॉइंट की तरफ भी जाता है। जैसे ही मैं कैनन पॉइंट पर पहुँचता हूँ, तो सबसे पहले मैं देखता हूँ यहाँ एक सुनहरे कलर की बहुत बड़ी तोप रखी हुई है, और यहाँ से हमें जैसलमेर सिटी का एक शानदार नज़ारा मिलता है। यहाँ से हम शहर की संकरी गलियाँ देख सकते हैं, जो चहल पहल भरे जैसलमेर बाजार का निर्माण करती हैं, जो कि अपने हैंडक्राफ्ट, ज्वेलरी एंड टेक्सटाइल्स के लिए प्रसिद्ध है। तो आप सभी ने देखा, जैसलमेर एक सुंदर, मनमोहक और ऐतिहासिक शहर है। इस किले को बनाने वाले कारीगरों ने वास्तव में एक स्थायी विरासत छोड़ी है, जो आज भी यहाँ आने वाले विजिटर्स को मंत्रमुग्ध कर देती है। यहाँ आने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव मिलेगा, और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आपका दोबारा आने का मन करेगा। सो आज की वीडियो में इतना ही।
अगली वीडियो में हम यहाँ के थार डेजर्ट में सम गांव में जाएंगे, जहाँ पर हम कैमल एंड जीप सफारी एक्टिविटीज़ को एंजॉय करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।